नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं आईटी हिंदुस्तान। आज के जनसदन का मुद्दा है सरकार महिलाओं पर मेहरबान, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। उमा सिसोदिया जी, आप नेता हैं। उमा जी, आईटी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। साधना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है। साधना जी, आईटी हिंदुस्तान परिवार में आपका स्वागत है। और मधु भट्ट जी, भाजपा नेता है। मधु जी, आईटी हिंदुस्तान आपका स्वागत करता है। सबसे पहले उमा जी आपके पास आना चाहेंगे। उमा जी, सरकार कहती है कि हम रुद्रपुर में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का गठन करेंगे, इसकी घोषणा सरकार ने की है। आईआरटीडी ऑडिटोरियम में सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि आने वाले समय में राज्य स्तर पे उत्तराखंड से कहीं ना कहीं यहाँ की बालिकाएं अपना नाम रोशन करेंगी, और 2024 को टारगेट मानते हुए ये चल रहे हैं कि हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचेस की व्यवस्था यहाँ करेंगे, ताकि यहाँ के बालिकाएं मेडल लाने में सक्षम हो। आपकी प्रतिक्रिया किस तरीके से आप इसको वैचारिक पटल पर परिभाषित करेंगे? उमा जी, देखिए, सरकार ने जो घोषणा की है, कल केंद्रीय राव जी ने जो घोषणा की है, इसको स्वागत होना चाहिए, घोषणा का स्वागत होना चाहिए। लेकिन मेरा जो दुख है या मेरी जो चिंता है वो ये है कि क्या ये चीज सिर्फ घोषणा तक ही रह जाएगी या वाकई में उसको धरातल पर उतारा जाएगा। और 2024 बहुत पास है, ओलंपिक 2024 बहुत पास है, क्या तब तक हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज तैयार हो जाएगा? क्या तब तक उसमें पूरे उत्तराखंड से प्रतिभाएं बालिकाएं उसमें आ जाएंगी? क्या तब तक इन 3 या 4 सालों में आप उनको उतना ट्रेन कर पाएंगे कि वो पहले वो उत्तराखंड की टीम में आएंगी, उसके बाद वो भारत की टीम में आएंगे, उसके बाद उनका चयन उत्तर ओलंपियाड के लिए होगा? ये तो बिल्कुल शेख चिल्ली के सपने देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि मैं 10 साल का कार्यकाल लेकर चल रहा हूँ कि अगले 10 साल में हमारी प्रतिभाएं निकल कर आएंगी, तब उनकी बात को समझा जा सकता था। लेकिन उन्होंने बहुत ही उतावलेपन का परिचय देते हुए उन्होंने बयान दिया है कि 2024 के ओलंपियाड में उत्तराखंड की बालिकाएं खेलेंगी। और दूसरी बात, हमारा उत्तराखंड पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है कि यहाँ सबसे ज्यादा सैनिक, यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा सैनिक पूरे आर्मी में जाते हैं हमारे बच्चे। तो इसका मतलब है कि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे शारीरिक रूप से बहुत सक्षम हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो बीजेपी की रही हो, पिछले 17-18 सालों में कभी उन्होंने खेलों के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारे बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम है। और इस बात की गवाह हमारी तीनों आर्म फोर्सेस है कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड के बच्चे उसमें जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब तक हमारे यहाँ खेलों का कोई विकास नहीं हुआ। हरियाणा की तरह हमारे यहाँ कोई खेल नीति नहीं बनी। और आपको शायद याद होगा काला जी कि इस साल 2019 में हमने पहली बार उत्तराखंड में रणजी की टीम बनाई है, और हम लोग बीसीसीआई में हम लिस्टेड हुए हैं। उत्तराखंड की टीम बीसीसीआई में लिस्टेड हुई है। हमारा कोई भी, हमारी क्रिकेट की कोई भी एकेडमी बीसीसीआई में पंजीकृत ही नहीं थी। आप ये सोचिए कितना दुर्भाग्य का विषय था, जबकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो पूरे देश में खेला जाता है और जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिभाएं निकल आती है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा भी है, पैसा भी बहुत बड़ा काउंट करता है। लेकिन हमारे खेल मंत्री ने, हमारे दोनों सरकारों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2019 में काफी लोगों ने, मैं बहुत सारे एसोसिएशन जो यहाँ पर थी उन सब लोगों ने जाके बीसीसीआई से मिले, सारे एसोसिएशन को एक साथ मर्ज किया, उसके बाद किसी तरह यहाँ पर हमारी रणजी टीम बन के आई है और वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन उसमें कर रहे हैं। तो मैं त्रिवेंद्र रावत जी को साधुवाद देना चाहूंगी कि कम से कम चलिए उन्होंने सोचा इस बात पे कि महिलाओं के लिए एक अलग से स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। लेकिन हमें उनसे और बहुत सारी घोषणाओं की और धरातल पर इन घोषणाओं के अमल की उम्मीद है। बिल्कुल, साधना जी आपके पास आना चाहेंगे। साधना जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि यहाँ पे देवभूमि रत्न अवार्ड दिए जाएंगे, यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाएंगे। हालांकि वो दिए जाते हैं आज भी, लेकिन बालिका के लिए जिस तरीके से रुद्रपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता था कि कई जगह अगर बालक और बालिकाएं एक साथ खेल रही हैं तो कई तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती थी। अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें तो वहां पे होता क्या है कि एक टॉयलेट है, उसी में बालक जा रहा है, उसी में बालिकाएं जा रही हैं, इसलिए पेरेंट्स वहां अपनी बालिकाओं को भेजने से अवॉइड करते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने घोषणा किया कि केवल गर्ल्स के लिए, बालिकाओं के लिए रुद्रपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसमें अग्रसर होंगे, आगे आएंगे, अपनी बच्चियों को वहां भेजने का एक प्रयास करेंगे और हो सकता है यहाँ से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकल सके। कारण यह है कि जो पहाड़ का परिवेश है, वहां की जो महिलाएं होती है, जितना कठिन परिश्रम वो करती हैं, शायद वो हिंदुस्तान की किसी भूमि पर शायद ऐसी महिलाएं नहीं मिलेगी जो देवभूमि या तपोभूमि भूमि में महिलाएं मिलती है। इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे? साधना जी, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये घोषणा की है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ की जो बालिकाएं हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, गेम्स में हो, शिक्षा में हो, चाहे सिनेमा में हो, चाहे कविता में हो, वो बहुत कैपेबल है।
हर क्षेत्र में, तो उनके लिए अगर ऐसा हॉस्टल बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे उमा जी ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, लेकिन देर से ही बने, लेकिन बनेगा, ये घोषणा बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बावजूद मैं ही कहूंगी कि कोई भी काम जो होता है उसमें अमली जमा पहनाने में बहुत टाइम लगा लेते हैं किसी भी काम को। अब उन्होंने घोषणा की है तो घोषणा करते करते कागजों पे आएगी, कागजों से फिर क्रियान्वयन में आएगी, उसको होते होते 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन 4-5 साल भी लगे तब भी अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मैं ये कहूंगी कि ये राज्य हमारे महिलाओं के बल पे मिला है, और महिलाओं को अगर कुछ मिलता है या बालिकाओं को कुछ मिलता है तो सभी महिलाएं उसका स्वागत करती है, खुशी होती है। मैं अभी आपको एक उसका उदाहरण दूंगी कि एक 2016 में कामकाजी महिलाओं के लिए एक हॉस्टल का क्रियान्वयन बना था, तीन रोटी हॉस्टल के नाम से, उसका उद्घाटन भी हुआ, बहुत अच्छा हॉस्टल भी बना। लेकिन उस हॉस्टल में जो प्रवेश की प्रक्रिया थी वो आज तक नहीं हुई, क्योंकि उसको उन्होंने ऑनलाइन करा या उसको ऑनलाइन भी नहीं चालू किया। तो क्या कारण था, क्यों नहीं कर, जब तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, सारी सुविधाएं उसमें दी है, तो क्यों नहीं आपने उस कामकाजी महिलाओं के लिए उस हॉस्टल को चालू करवाया? उसको खाली बिल्डिंग बना के रखने से उसका क्या फायदा था? तो मैं ये कहूंगी कि घोषणा और जो मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया था बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मुख्यमंत्री थोड़ी करवाएंगे उसको चालू। चालू कराने वाले तो आपके नीचे वाले सारे लोग हैं, क्यों नहीं उन्होंने उसके प्रवेश पत्र मांगे, क्यों नहीं एप्लीकेशन मांगी उसके लिए, क्यों नहीं उस हॉस्टल को लागू करवाया, चालू करवाया? तो उसमें मैं कहूंगी कि नीचे का जो सिस्टम है वो कभी कभी सुधरने वाला है ही नहीं। वो कांग्रेस की सरकार हो, जब भाजपा की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, उसको सिस्टम जब तक वो सही नहीं हो जाएगा कोई भी काम नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा उत्तराखंड के बालिकाओं के लिए हॉस्टल की उसकी की है, स्पोर्ट्स कॉलेज की, तो वो भी तभी बनेगा जब नीचे का सिस्टम सही होगा। मुख्यमंत्री सख्त होंगे और तब जब तक उसके पहले तो उस हॉस्टल के लिए सख्त हो जाए, और फिर उस हॉस्टल के जो बालिकाओं के लिए बनेगा उसके लिए सख्त हो जाए, तभी हमारी महिलाओं को और बालिकाओं को कुछ मिल पाएगा। और मैं उम्मीद ही करती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री जरूर सख्त कदम उठाएंगे। बिल्कुल मधु जी, आपके पास आना चाहेंगे। मधु जी, अगर हम बात करें जिस वक्त हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तब से लेके 2020 आ चुका है, ये उत्तराखंड बाल्यावस्था से निकल के युवावस्था में आ गया है। 20 साल लग गए हैं इन चीज के बारे में सोचते सोचते, लगता नहीं कहीं हम थोड़ा सोच रहे हैं? मधु जी देखिए, मैं बताना चाहती हूँ काला जी, जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार ने हर स्तर पर बिल्कुल महिलाओं के, आज क्योंकि विषय महिलाओं का है तो मैं महिलाओं के विषय में ही बोलना चाहूंगी। महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर हमने महिलाओं के विषय में सोचा है तो चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों और माननीय यहाँ पर प्रदेश में माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार चल रही है वो हों, तो हर तरीके से हर बिंदुओं पर काम करना हमने बिल्कुल धरातल पर शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे विभिन्न हर प्रकार की योजनाएं जो है वो महिलाओं को लेकर ही बनी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो महिलाओं की देन है। आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतर चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और चाहे खेल के क्षेत्र में हो। अभी मेरी बहन कह रही थी कि खेल में कुछ, अरे जब हमारी बछेंद्री पाल तो आज पूरी इंटरनेशनल लेवल पे है, बछेंद्री पाल ने पूरे विश्व में परचम लहराया है। और हमारी जो और भी जितनी भी और आज की समय में जितनी भी बच्चियां हो रही है वो हर स्तर पर, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे और अन्य स्तर पर, वो बिल्कुल नाम कमा रही है और उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए इतना बड़ा आंदोलन हमारी सरकार ने किया, और आज देखेंगे जिन राज्यों में महिलाओं की संख्या जो कम हो रही थी, आज बच्चियों की संख्या में उसमें इजाफा हो गया, कई गुना बढ़ रही है बच्चियों की संख्या। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, हमारे क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी भूभाग है, वहां पर देखते हुए हमें क्या क्या हमारे उद्योग धंधे हो सकते हैं। अगर हम चारों धामों की बात करती हूँ, बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री, यहाँ पर जो बिल्कुल महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए, अगर प्रसाद से जो देवभोग हमारा प्रसाद है, प्रसाद से, और वहाँ की जो मंडवा कौदा झंगोरा जो भी उत्पाद घरेलू उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। और महिलाओं को इस बार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी कई करोड़ों का इसमें उनको फायदा हुआ है।
और हम कन्या धन जो गौरा योजना है उसके माध्यम से हमारे जो बच्चियां इंटर क्लास जो पास हो रही है उनको एक आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारी जो विधवा हो गई है या परित्यक्ता है उनके लिए भी हमने पेंशन योजना चलाई है। हर स्तर पे मैं अगर बताना चाहूंगी तो हमारी इतनी योजनाएं हैं कि मुझे लगता है कि पूरा समय ही नहीं योजनाओं। मधु जी ने भी बहुत सारी योजनाओं की बात की, बाकी में वो योजनाएं कागजों पर चल रही हैं, मैं उस चीज को मानती हूँ। मधु जी पिछले 55 दिन से हमारी आशा महिला कार्यकर्त्रियां आंधी में, बारिश में, तूफान में, सर्दी में डटी हुई हैं। 4,500 रुपए के मानदेय, 2,500 और 4,500 रुपए के मानदेय पे वो काम कर रही है, लेकिन अभी तक त्रिवेंद्र सरकार की कानों पर जू नहीं रही है। आप उन महिलाओं के बारे में बात कीजिए जो महिलाएं बहुत ही आशा कार्यकर्ता, कोई कोई एपीएल जर्नलिस्ट नहीं आती है, वो सारी बीपीएल जर्नलिस्ट से आती है वो महिलाएं, लेकिन उनके लिए सरकार अभी तक नहीं सोच रही है। 55 दिनों से वो डटी हुई है। बहुत अच्छा, बीपीएल के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है, उज्ज्वला गैस योजना इतनी बड़ी योजना है, आवास योजना इतनी बड़ी योजना है, तो महिलाओं लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने उनसे जो काम उसको दिया जाता है उसको वो काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा प्रश्न साधना जी आपसे ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मधु जी आपके पास आऊंगा। साधना जी देखिए, त्रिवेंद्र सरकार कहती है कि 2024 को हम टारगेट मान के चल रहे हैं। देखिए 2020 इस वक्त चल रहा है, लगता नहीं कि 4 साल के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको परखने में, निखारने में, उनको तराशने में समय लगेगा, क्योंकि अगर ये स्पोर्ट्स कॉलेज 20 साल पहले खुल जाता तो जो, क्योंकि देखिए सबसे कम लाइफ जो होती है वो स्पोर्ट्स में होती है, क्योंकि वहां 2-4-5-6 साल की लाइफ होती है उसी में, क्योंकि वो युवा अवस्था में होती है ताकि वो दमखम वहां के बच्चे या स्पोर्ट्समैन दिखा सके। लगता नहीं कि 2024 के लिए बहुत कम समय रह गया? ये बहुत कम समय रह गया है। हमारे यहाँ की जो लड़कियां प्रतिभाएं हैं, एकता बिष्ट को आप ले लीजिए, मानसी है, एकता बिष्ट इतनी, वो बिना हॉस्टल के इतने अच्छे बन गई। अगर आपको हॉस्टल बनाना ही था तो और पहले बनाते, या बनाना है तो उसकी स्पीड इतना तेज कर लीजिए कि 2024 तक कितना तैयार हो जाए, या एडमिशन लेना आप शुरू कर दीजिए, उन प्रतिभाओं को निकालना शुरू कर दीजिए और हॉस्टल बाद में दे दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप देर से सोच रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से सोच रहे हो तो पता नहीं, लेकिन अभी प्रतिभाओं को निकालने के लिए आप तैयारी शुरू कर दें और हॉस्टल बाद में बना लें, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मधु जी आपके पास आना चाहूंगा। मधु जी, अभी आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उन्नाव, कठुआ और निर्भया पे ये लागू होता है? मधु जी देखिए, बिल्कुल सरकार ने, हमारी सरकार ने जैसे आई है, बिल्कुल जो भी इस प्रकार के जो मामले हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारी सरकार ने बनाया है, और दूसरा फांसी का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे स्वयं इसमें संज्ञान लिया और फांसी का प्रावधान किया है। आज अगर इस प्रकार की जो केस होते हैं तो उनपे फास्ट ट्रैक के माध्यम से तुरंत उनको सजा दिलाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, उसके बाद ही काम हुआ, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आपको इसमें आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आप ही सड़कों पे उतर रहे हैं? देखिए उस समय की बात कह रही हूँ, उस समय की बात कह रही हूँ मैं, जब ये निर्भया कांड हुआ था हम लोग सड़कों पे उतरे थे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार देखिए उसके बाद ये तभी तो ये हुआ है ना, तभी तो हमने फांसी का प्रावधान किया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, और हमारी सरकार ने तो ये मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार ने दिया है। और सबसे ज्यादा सजा मिली है तो हमारी सरकार के समय में मिली है। इस प्रकार की जो ये जो अपराध करता है उन अपराधी को सजा हमारी सरकार की। बिल्कुल उमा जी आपके पास आना चाहूंगा। उमा जी, मधु जी कहती है कि हमारी सरकार जब आई तो ये कार्य हुए, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2020 चल रहा है, 6 साल लग गए। मधु जी कहती है कि फास्ट ट्रैक। मैं मधु जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या पिछले 6 साल में जघन्य विभत्स बलात्कार कांड नहीं हुए हैं? क्या कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और कितने लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है? मोदी जी पिछले 6 साल से केंद्र में, आप मुझे आंकड़ा दीजिए कि कितने रेपिस्टों को आपने फांसी पर लटकाया। देखिए उमा जी, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया से हम सबको, क्योंकि हम संविधान हमारा सबसे बड़ा एक न्याय का होता है, उसी का
घुसपैठ होती है आप इसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। अब आप सीए का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? हम सीए में जो मुस्लिमों को आप सीए का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? देखिए सीए भी यही है कि घुसपैठ होती है तो उसका विरोध किया जाता है। आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग आ जाए, बांग्लादेश के लोग आ जाए, पाकिस्तान के लोग, सबको मना करो ना, फिर आप हिंदुओं को क्यों बोल रहे हो कि हम हिंदुओं को देंगे? अरे अरे आजाद हुआ था उस समय पढ़िए, नेहरू जी के साथ हो रखा है, आप उस समय पढ़िए ना, क्या है संविधान पढ़िए, जो भी हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं शब्द बोल रही हूँ आपको, प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित हिंदुस्तान की नागरिकता।
बताइए ना क्या हमारे क्यों आज देखिए आज ही देखिए पाकिस्तान में छोटा सा प्रश्न बराबर समय दिया जाएगा जी आपके पास आओ मधु जी मधु जी आ रहा हूँ आपके पास मधु जी मधु जी आ रहा हूँ मधु जी आ रहा हूँ सागर जी आपको ले लेते हैं उमा जी मधु जी आ रहा हूँ मधु जी केंद्र में आपकी सरकार है मधु जी केंद्र में आपकी सरकार है मधु जी बात सुन लीजिए केंद्र में आपकी सरकार है राज्य में आपकी सरकार है आईटीवी हिंदुस्तान में मेरी सरकार है साधना जी आपके पास आना चाहूंगा साधना जी हम खेल की बात करते हैं मधु जी आप आईटीवी में बैठे हैं साधना जी आपके पास आना चाहूंगा साधना जी देखिए जहां तक सीए की बात करते हैं आईएमडीटी एक्ट आया था 1983 में उसके बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन कर दिया था 1983 से हम अगर बात करें 2005 के बीच में 22 साल में जिस तरीके की घुसपैठ हुई है उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल था इसलिए सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिससे जो कहीं ना कहीं अगर हम इस भारत के नागरिक हैं कहीं ना कहीं कई लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं अगर 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 हम थोड़ा उससे निकल के बाहर आए क्योंकि जो हमारा डिबेट का विषय रुद्रपुर के ऊपर है स्पोर्ट्स कॉलेज के ऊपर है क्या बालिकाएं इस क्षेत्र में आगे निकल पाएंगी क्योंकि जिस तरीके की यहाँ की तपोभूमि की बालिकाएं हैं देवभूमि की बालिकाएं हैं जो यहाँ का कहते हैं ना कि यहाँ का तो पानी है उसमें भी जड़ी बूटियां मिली हुई होती हैं जो ताकत जो एनर्जी उनके ऊपर है जो बालिकाएं जो महिलाएं कम से कम 20-20 किलोमीटर दूर से भरे हुए सिलेंडर उठा के अपने सर पे लाती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें दमखम होगा क्या वो अपना परचम लहरा पाएंगे बिल्कुल लहरा पाएंगी हमारी जो लड़कियां हैं वो इतनी कैपेबल है उनके अंदर इतनी आर्ट है गेम्स में तो मैंने अभी पहले भी आपको नाम बताया एकता बिष्ट हो गई मानसी है और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने यहाँ हम के कू घर गए बैडमिंटन में कितनी अच्छी खिलाड़ी है और बहुत बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं मुझे नाम इस टाइम याद नहीं आ रहे लेकिन वो तो अगर उनको मौका मिले ना तो वो तो रणजी क्या बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीत सकती है और इंटरनेशनल लेवल पे वो जाती हैं और अच्छे अच्छे मेडल जीत के लाती हैं तो अगर उनको अवसर दिए जाएं यहाँ की लड़कियों में बहुत ताकत है और बहुत खिलाड़ी हैं वो और कलाकार भी बहुत अच्छी है जो भी जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता है वो हर जगह अपना परचम लहरा देती है उन लड़कियों को मिलने का अवसर प्रदान करने की जरूरत है बिल्कुल मधु जी आपके पास आना चाहूंगा मधु जी आपने कहा कि यहाँ की बालिकाओं के लिए हम स्पोर्ट्स कॉलेज की व्यवस्था करेंगे वहां पे बच्चे नए नए खेल सीखेंगे और इस देश का इस राज्य का नाम ऊंचा करेंगे जब बालिकाओं ने टेबल टेनिस जैसी चीज देखी नहीं क्या वो हमारे देश का राज्य का नाम ऊंचा कर पाएंगे देखिए इसीलिए हर तरीके से देखिए अभी हमारी जो जितनी भी बालिकाएं हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत तेजी से आगे निकल रही हैं और हमने एक सीनियर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया है उससे पहले भी जैसे मैं आपने ये उत्तराखंड जो राज्य है वो जो आंदोलन है वो हमारी महिलाओं ने किया और महिलाएं बहुत सक्षम है हमारी बछेंद्री पाल जैसी महिलाएं जिन्होंने बिल्कुल पूरा एवरेस्ट पर परचम लहराया ऐसी ऐसी महिलाएं थी और भी अभी नई जो बालिकाएं और वो भी बहुत अच्छी बच्चियां निकली हैं अभी आप देखेंगे हमारे जो तट रक्षक में वो जो 5 जो हमारी उत्तराखंड से वो जो महिलाएं गई थी पूरे ये पूरा हर तरीके से महिलाएं बहुत सक्षम है और बहुत आगे बढ़ रही हैं हर तरीके से तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी और अगर हमारी जो सरकार ने जो ये पहल की है मुझे लगता है बहुत और प्रतिभाएं जो है छुपी हुई जो प्रतिभाएं वो भी आगे निकल कर आएंगी और पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगे मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जमीनी तौर पर बिल्कुल जैसे बोलते हैं ग्रास रूट बिल्कुल वहां पर काम कर रही है देखिए बिल्कुल आप उस बात को बीच में जोड़ दीजिएगा एक प्रश्न पहले मैं आपको दे देता हूँ उमा जी देखिए सरकार कहती है कि 2024 के लिए हम रूट प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके लिए सरकार काफी मेहनत कर रही है रुद्रपुर में बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा कर रही है क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज में जो भी बच्चे जाएंगे जो भी बालिकाएं जाएंगी वो जाति धर्म से बंधी भी नहीं है वो किसी भी धर्म की हो सकती है किसी भी पार्टी की हो सकती है ऐसा नहीं है कि सरकार ने बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खोला कहा कि इस पार्टी के लोग आ सकते हैं इस पार्टी के लोग नहीं आ सकते जब सब बालिकाएं जा सकती है पूरे उत्तराखंड से कोई भी बच्ची वहां जाके एडमिशन ले सकती है तो इतना विरोध क्यों उमा जी नहीं देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज का मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने बयान में मैंने कोई विरोध नहीं किया मैंने सिर्फ ये कहा कि देर आए दुरुस्त आए त्रिवेंद्र जी को और चले इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था लेकिन अगर अब भी ध्यान दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है लेकिन अगर 2024 तक हम ये कर पाएंगे कि हमारी बच्चियां ओलंपिक का जो स्तर है जो लेवल है ओलंपिक का वहां तक पहुंच पाएंगे तो उसमें मुझे संदेह है अगर वो ये कहते हैं कि हाँ 10 साल में मैं
अपने मतलब उत्तराखंड की गर्ल्स को इतनी सुविधाएं दे दूंगा कि वो ओलंपिक का स्थल छू लेगी, तो तब उनकी बात जायज थी। मुझे लगता है कि अभी उन्होंने बयान जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में दिया। और जहां तक ताशी नौशी की बात है, मुझे अच्छे से याद है कि ताशी नौशी जी ने जितनी भी सफलताएं हासिल करी हैं उसमें उनका खुद का पैसा लगा है। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने पैसा मांगने के उसके बाद वो आए हैं। उनको किलिमंजारो पर्वत पे कहीं जाना था, अफ्रीका के किसी पर्वत पे, और उस समय वो लगभग डोर टू डोर अपने उसके लिए पैसे पैसे के लिए वो मदद मांग रही थी कि मैं हमारे आके मदद करो। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने उनकी मदद भी की उस समय। फिर उनसे हमने उनसे पूछा कि आपने क्या गवर्नमेंट के जो खेल विभाग होता है कि आपने उसमें अप्लाई नहीं किया, तो उनका ये जवाब था कि लगभग 6 महीने हो गए अप्लाई किया, अभी तक वहां से कोई सेंक्शन नहीं हुआ। देवभूमि की महिलाओं के लिए अगर हम कहते हैं कि जिस तरीके से अगर एक डिस्टेंस क्रिएट किया था हिमा दास ने जब वो ट्रैक पे दौड़ी थी, तो एक बहुत बड़ा उसने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था जिसको पूरी दुनिया ने देखा, उसको अप्रिशिएट किया। वो क्षमता वो दम यहाँ की बालिकाएं रखती हैं, क्योंकि हिमा दास भी बहुत गरीब परिवार से निकल के आए हैं, क्योंकि एक आग एक फायर उसी बच्चे के अंदर होती है जिसने तकलीफें या मुश्किलें देखी होती है। तो लगता है आपको कि यहाँ की जो बालिकाएं हैं वो दमखम दिखा पाएंगी? जैसे बिल्कुल दिखा, मैंने जैसे बताया कि एकता मिश्रा बिल्कुल छोटे से घर की है और उसने देखी क्रिकेट में इंटरनेशनल नेशनल बड़े बड़े लेवल पे वो खेली है और इंटरनेशनल पे भी उसने कितने सारे मेडल हासिल किए। मुझे ये नहीं याद है कि कौन से मेडल लाई है वो, लेकिन वो बहुत इंटरनेशनल तक खेली है। और ऐसे ही और भी लड़कियां हैं, मानसी की जो है वो भी इंटरनेशनल तक खेली है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। उनको मैंने कहा ना अवसर मिलेगा तो हिमू दास क्या, वो तो उनसे भी ऊंचे छू जाएंगी आसमान। बिल्कुल ओलंपिक जीतेंगी भाई, ओलंपिक जीतेंगी, इंटरनेशनल जीतेंगी और भी बड़े नेशनल इंटरनेशनल जीतेंगी। वो तो मेरे उनको अवसर की बात है, अवसर अगर उनको मिलेंगे तो वो तो ऊंचाइयों को ऊंचाइयों को छूती चली जाएंगी। बिल्कुल मधु जी आपके पास आना चाहूंगा। मधु जी, उमा जी कहती हैं कि मैं घुसपैठ का विरोध करती हूँ, मगर सीए का भी विरोध करती हूँ। हालांकि सीए में ये लिखा गया है कि जो घुसपैठ करता है हम उसको यह जगह नहीं देंगे, तो ये बातें दोनों कह ही नहीं हम पाती। बिल्कुल एक छोटी प्रतिक्रिया मैं मधु जी से ले लेता हूँ, उसके बाद मैं मधु जी के पास आना चाहूंगा। समझ नहीं आ रहा है कि ये विरोध किस बात का कर रहे हैं भाई। किसी किसी की नागरिकता छिन रही है क्या? जो भारत का नागरिक है वो नागरिक है, और जो ये जो जब देश जब आजाद हुआ था उस समय पैक्ट हुआ था कि जहां भी हमारे जो लोग हैं, जब ये देश बंटवारा हुआ था उसी समय ये बात हो गई थी कि भाई जहां अगर कोई आना चाहे हमारे घर में हमारे स्वास्थ्य बात कर रही है, पहले ये बताइए आप चाहती है कि यहाँ पे घुसपैठी आए? मैं ये कह रही हूँ क्या आप हिंदू मुस्लिम के आधार पे शोध कर रहे हैं? आप ये बताओ, आप ये बताओ कि आज पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू थे और आज कितने प्रतिशत हिंदू है? मैडम आपको बताया जा रहा, आपको बताया जा रहा, आपको दर्ज नहीं किया जा रहा। वो यहाँ पर आ गए, वो यहाँ पर आ गए आजादी के बाद, वो यहाँ पे आ गए। हिंदू मुस्लिम की तरह जीवन जी रहे, क्या कसूर था उनका? आपकी आवाज नहीं निकली जब 3 लाख कश्मीरियों को राष्ट्रवादी
लिए महिला थोड़ा सीरियस पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए पहले पहले पढ़ लीजिए तब जाके विरोध करेगा। और आप उत्तराखंड में इस प्रकार के टुकड़े टुकड़े गैंग में जो भी सम्मिलित होगा उसकी भी नजर रखी जाएगी। छोटा सा साधना जी से ले लेता हूँ, मधु जी का फिर से साधना जी इंतजार कर रही है। मधु जी, मधु जी एक छोटा सा प्रश्न देता हूँ। मधु जी उनका जी कह रहा हूँ कि बस साधना जी छोटे से प्रश्न आपको दे रहा हूँ। साधना जी मुझे ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम का उमा जी उमा जी आ रहा हूँ आपके पास। उमा जी सुन लीजिए, उमा जी अगर मधु जी उमा जी अगर आप स्टूडियो में नहीं सुनेंगे तो सरकार कैसे सुनेगी। मधु जी सुन लीजिए, मधु जी सुन लीजिए, मधु जी स्क्रीन पे, मधु जी स्क्रीन पे नहीं सुनेंगे, मधु जी मधु जी स्क्रीन पे नहीं सुनेंगे तो बाहर कैसे सुनेंगे आप। निवेदन है, सुन लीजिए, बराबर समय सबको दिया जाएगा। मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहे। आईटीवी हिंदुस्तान ये जो कहेगा हिंदू मुस्लिम के लिए की और भी ऊंचा और खूबसूरत मेरे देश का नाम हो जाएगा, हर हिंदू विवेकानंद हर मुस्लिम कलाम हो जाएगा। हम उस प्रक्रिया में चलते हैं, हमारा देश है, उस नजरिए से हम सोचते हैं। हमको जोड़ के रखना है, तोड़ के नहीं रखना है। छोटा सा प्रश्न साधना जी, क्योंकि बराबर समय सबको दिया जाएगा। साधना जी मैं पुनः उसकी तरफ आ रहा हूं 2024 की तरफ। हालांकि समय कम है लेकिन जब हिमा दास जैसी बेटियां होती हैं वो समय को पार करके आगे निकल जाती है। उन्हें समय रोक नहीं सकता, समय बांध नहीं सकता। वो समय के हिसाब से नहीं चलती, वो समय को अपने हिसाब से चला के चलती है। उत्तराखंड में अगर ये स्पोर्ट्स कॉलेज बनता है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सोच तो अच्छी है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी उसमें ढूंढनी चाहिए हमको, क्योंकि अगर नेगेटिविटी ढूंढे हम तो अगर हम आम लेते हैं उसमें भी हम कहते हैं भाग छिलके अंदर कुछ ली है वो नेगेटिविटी है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए आम ने कम से कम जीवन तो दिया है के लोगों के लिए, भूख तो दिया। अगर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलते हैं कहीं ना कहीं उससे सार्थक परिणाम निकलते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल सार्थक परिणाम निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है मुख्यमंत्री जी ने सोचा है कि अपनी बालिकाओं को अवसर देने के लिए अगर जब हॉस्टल बने, जब उन्होंने सोचा है तो क्रियान्वयन भी होगा वो और हॉस्टल बनेगा भी। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि जो महिला जो हॉस्टल बना था उसका भी काम होना चाहिए, उसके लिए भी आवेदन मांगे जाए और उस महिला छात्रावास को भी उसे चालू करवाएं। आप आईटीबी से मेरा निवेदन है कि वो उसको जरूर आगे इस बात पे भी आगे काम करें कि जो हमारा महिला छात्रावास बनाए सर्वे चौक पे उसका भी क्रियान्वयन होना चाहिए, उसको उसके लिए आवेदन मांगे और उसमें उसको भी चालू करें। ऐसा ना हो कि जैसे ये हॉस्टल खड़ा है ऐसा वो हॉस्टल खड़ा रह जाए। बिल्कुल मधु जी आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद उमा जी आपके पास आऊंगा। मधु जी सरकार ने बहुत अच्छा सोचा कि रुद्रपुर में बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि देश बढ़ेगा, बेटी बढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी। क्या बेटों के लिए भी बनाया जाएगा, क्या बेटे भी बढ़ेंगे? जी जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, देखिए यहाँ पे अभी तो स्पोर्ट्स कॉलेज तो यहाँ पे रायपुर में इतना बढ़िया बहुत अच्छा चल रहा है। और दूसरा क्योंकि देखिए हमारे तो इंटरनेशनल लेवल अगर मैं कहूँ जसपाल राणा जी तो कितना बड़ा निशानेबाजी में पहले से नाम कमाया, हमारे बच्चे मेरी पांच बहन हो गई और भी बहुत सारी जो बहनें हैं उनके अभी स्टेडियम है। हाँ बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत सारे मतलब ऑडिटोरियम तो बहुत सारे हैं। लेकिन उसी प्रकार से क्योंकि आप आवाज देखिए आजकल तो बर्फबारी इतनी हो रही है, आप देखिए हमारे ओली में कितना सुंदर आजकल स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं, बहुत स्किनिंग भी चल रही है, बहुत बहुत सुंदर। तो हर तरीके से उत्तराखंड में जो है वो बहुत ही हर तरीके से पर्यटन को लेकर और यहाँ पे खेलों को लेकर, साहसिक खेलों को लेकर जो सरकार काम कर रही है। आप देखिए टिहरी झील में इतना बड़ा साहसिक पर्यटन को लेकर काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे देश विदेश से सैलानी भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम ना हो वही तो टीम इंडिया भी यहाँ पे आई है खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिल्कुल उत्तराखंड का नाम बिल्कुल प्रमुखता से बिल्कुल परचम जो ओलंपिक और स्पोर्ट्स है उसमें बिल्कुल बिल्कुल आएगा। बिल्कुल उमा जी एक छोटा सा प्रश्न आपको दे देते हैं, उसके बाद साधना जी आपके पास आऊंगा। उमा जी मधु जी कहती हैं कि जो सीए के लिए धरने पे बैठे हुए हैं इस वक्त प्रे ग्राउंड में वो पैसे लेके बैठे हुए, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं नहीं हालांकि इसमें मैं आपको टोकना चाहूंगी, मधु जी ने बिल्कुल नहीं बोला है कि परेड ग्राउंड में जो लोग बैठे हैं पैसे लेके बैठे हैं, मधु जी ने नहीं बोला है। ये बात हमारे गृह मंत्री कहते हैं लेकिन मधु जी ने नहीं बोला है। जो लोग वहां पर बैठे हैं, कौन लोग समर्थन कर रहे हैं ये बोल रही हूं, कौन लोग समर्थन कर रहे हैं? जो महिलाएं वहां पर आकर बैठी हुई हैं, जो बच्चियां वहां पर आकर बैठी हुई हैं, उनको ये महसूस होता है कि देश का संविधान इस समय आहत है। आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं जब सीए को नहीं समझ पा रही है ऐसे ही लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप पढ़िए तो सही, क्या है सीए? अरे है क्या, है क्या बताइए, किस चीज की नाली से चल रही है? आप खुद भड़का रहे हैं उनको जाके, आप भी बोलिए कुछ, क्या है सीए बताइए, वरिष्ठ पत्रकार बढ़िए बताइए, क्या है बताइए,
क्या किसी की जान छीन रही है? बताइए, आप बताइए क्यों परेशान हो रही है? नीचे नहीं इसमें क्या क्यों पर क्या किस बात की? किस बात की? बस बात की दिक्कत है आपको, दूसरे देश के लोगों के लिए इतना ज्यादा लालच क्यों? हमारे देश की, अरे यहाँ रह रहे हैं हमारे लोग जो रह रहे हैं, जो नागरिकता दी जाएगी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का अधिकार कानून बना है भाई। हमारे लिए आप मुझे इसका भी जवाब दे दीजिए। हमने कब कहा? हमने कहा जो इस देश का नागरिक है वो इस देश का नागरिक है, जिसको यहाँ से बाहर जो पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान से, जो जिसको पाकिस्तान से इंडिया ना हो इंडिया आ जाए। अगर हमने कब मना किया है? हमें तो अरनाम सामी को अभी नागरिकता उन्होंने जब मांगी है तो हमने उनको नागरिकता दी। हमने कहा है आप जबरदस्ती क्यों भड़का रहे? जबरदस्ती कहाँ भड़का? अगर कोई नागरिकता लेना चाहता है बिल्कुल नागरिकता लेने का प्रावधान है, आप नागरिकता से कहाँ मना किया? किसको मना किया? उत्तराखंड की महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके चेहरे कहीं ना कहीं खिलते हुए नजर आ रहे हैं कि रुद्रपुर में एक ऐसा कॉलेज खुल रहा है। लेकिन बड़े प्रश्न यहां भी लगना लाजमी है कि जिन बच्चियों के पास खाने के दाने नहीं, देहरादून से क्या वो रुद्रपुर जा पाएंगे स्पोर्ट्स के लिए? साधना जी, नहीं देखिए रुद्रपुर में भी उधम सिंह नगर में है, रुद्रपुर में हल्द्वानी में वहां की भी तो छात्राएं हैं, वहां उनको ऐसा नहीं है कि उधम सिंह नगर तो बहुत पड़ता फूलता वो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाने के दाने नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता देहरादून में भी कोई ऐसा है, जब स्पोर्ट्स में जाता है तो गवर्नमेंट उनको डाइट का तो पैसा भी देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं वो तो खाने के लिए नहीं है। और स्पोर्ट्स वाली लड़कियों को तो खूब खाने को दिया जाता है, और जहाँ खेलने जाते हैं वहाँ भी केला दूध मूंगफली खूब खूब सामान खाने को मिलता है, खूब इतने फल इतना दूध इतना मतलब डाइट उनका डाइट चार्ट होता है पूरा, खेल विभाग उनको देता है, पैसा भी दिया जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि खाने को दाने नहीं है और बच्चे हमारे खेल नहीं चले। उत्तराखंड में भी उत्तर था कि वो भूखा नंगा आदमी का ऐसी कोई काम उसको खेलने के लिए दौड़ा दे, क्योंकि हुनर जो है कभी भी वो महल हवेली नहीं देखता, हुनर किसी में भी आ सकता है, किसी गरीब घर के तबके में भी आता है, अधिकतर हुनर वही पाया जाता है, गली मोहल्लों में हुनर पाया जाता है। मधु जी आपके पास आना चाहूंगा, मधु जी जिस तरीके से सरकार ने रुद्रपुर में पहल की है बहुत अच्छी पहल है, इसकी कहीं ना कहीं तारीफ होनी चाहिए, बच्चे बढ़ के आ गए हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए। इसको किस तरीके से प्रक्रिया सरकार करना चाहिए, ऑनलाइन ये होगी या मैनुअल किस तरीके से, ताकि बच्चियों तक दूर दूर तक ये मैसेज जा सके, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में जो बालिकाएं पढ़ती है वहां तक भी मैसेज जा सके कि हाँ ऐसा बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खुल रहा है, उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा। देखिए मैं बताना चाहूंगी हर प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी जहाँ पे हाईटेक, क्योंकि हाईटेक चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है आजकल, हर प्रकार की जो प्रक्रिया है वो चली वो बिल्कुल अपनाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में अगर कोई बच्ची आना चाहती है स्पोर्ट्स कॉलेज तो उसके लिए उस प्रकार की सुविधाएं बिल्कुल सरकार उसको उस तक वो सुविधाएं पहुंचाएगी। और हर प्रकार से, क्योंकि देखिए उत्तराखंड क्योंकि बहुत सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है वहां से जो अधिकतर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्रतिभाएं वहां से उभर कर आती हैं और पूरा देश में नाम रोशन करती हैं, तो उसी प्रकार के उनको हर प्रकार की सुविधाएं हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और स्पोर्ट्स कॉलेज ये जो खोला जा रहा है मुझे लगता है बहुत ही स्वागत योग्य ये जो कदम है हमारी सरकार जब से बनी है। अभी तो क्योंकि यहाँ पे आप पार्टी की उमा जी बैठी, इन्होंने शुरू में मजबूरी में तारीफ करी सरकार की कि बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा रणजी ट्री ट्रॉफी ये सब ये जब क्रिकेट का फुटबॉल का ये सब बना है जिसको खेले जा रहा है क्रिकेट स्टेडियम में, हमारी सरकार की पहल है और बिल्कुल पहली बार हुआ है ये उत्तराखंड में, तो मुझे लगता है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है निश्चित रूप से पूरे विश्व में नाम रोशन होगा उत्तराखंड का। समय की बात है तो भी देखना पड़ेगा। उमा जी, उमा जी कुछ कहना चाहती है? मगर एक्चुअली मधु जी को कहना चाहूंगी मजबूरी में नहीं है, मधु जी जो काम सही होता है वो सही होता है। 370 का हमने आपको समर्थन दिया और आज भी वो समर्थन पर कायम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उमा जी, साधना जी, मधु जी, आपके हिंदुस्तान परिवार को आपने अपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हम बात करते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा की 2024 के लिए। उन्होंने घोषणा की है कि उससे पहले रुद्रपुर में वो स्पोर्ट्स कॉलेज बालिकाओं के लिए खोलेंगे और 2024 के लिए बालिकाओं को तैयार करेंगे। और उमा जी मधु जी की वाणी या शारदा जी की वाणी को देख के ये जनता तय करेगी जो आईटी हिंदुस्तान कहना चाहता है इन बालिकाओं के लिए कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। देखते रहिए आईटी हिंदुस्तान। नमस्कार।